तो भाई कैसे हो आप लोग। आज इस मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं, उसका नाम है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस। अब मैंने इस मूवी का अल्टीमेट एडिशन देखा है, मैंने इसके थिएट्रिकल कट नहीं देखा, तो हम अल्टीमेट एडिशन का ही रिव्यू करेंगे। मूवी के स्टार्ट मैन ऑफ स्टील के क्लाइमेक्स से होता है, जहाँ पे ब्रूस वेन से इंट्रोड्यूस किया जाता है और मूवी का ओपनिंग सीक्वेंस बहुत तगड़ा है। एक और बात जो मुझे इस मूवी की बहुत अच्छी लगी कि जब सुपरमैन और जनरल जॉर्ड की फाइट चल रही थी तो हमें मेट्रोपोलिस की कंडीशन को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। मतलब ये दिखाया गया है कि चाहे सुपर हीरोज लोगों को बचाने के लिए ही फाइट कर रहे हो, लेकिन उनकी फाइट से कितने लोग मरते हैं और कितने इंजर्ड होते हैं। और यही सब कुछ देखते हुए अपना ब्रूस वेन डिसाइड करता है कि बेटा तुझे तो मैं मारूंगा। इसके बाद हमें बैटमैन देखने को मिलता है और बैटमैन का इंट्रोडक्शन उन्होंने थोड़ा हॉरर रखा है, मतलब उसको हॉरर टोन दिया गया, जो कि एक अच्छी बात थी। और इसके बाद हमें पता लगता है कि ये जो बैटमैन है ये कत्ल करने से नहीं रहता, मतलब ही इज नॉट अफ्रेड टू किल। जबकि आज तक हमें जितने बैटमैन देखने को मिले हमें यही पता चलता है कि वो अपने दुश्मन को नहीं मारते, मतलब दे डोंट किल। लेकिन ये बैटमैन थोड़ा सा डिफरेंट है, बेन अफ्लेक का बैटमैन टोटली डिफरेंट है। ये ब्रूटल है और ये एक मॉन्स्टर टाइप बैटमैन है, क्योंकि हम एक ही चीज को देख देख के अक जाते हैं, तंग आ जाता है। तो ये जो चीज देखिए, स्टूडियो ने हमें एक बिल्कुल डिफरेंट बैटमैन दिखाया, ये बहुत अच्छी बात थी। और बेन एफ्लेक ने पूरा इंसाफ किया इस रोल के साथ। मूवी के फर्स्ट आवर में ही हमें जेसी आइजनबर्ग का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि है लेक्स लूथर। अब यहाँ पे मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ कि लेक्स लूथर का रोल पहले वाकिंग फीनिक्स को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस रोल को मना कर दिया क्योंकि उनको एक रोल बार बार करना पड़ता। बाय द वे, अगर आप लोगों ने मेरा जोकर वाला रिव्यू नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उस रिव्यू को जरूर देखा। अब देखो, लेक्स लूथर को काफी पावरफुल डायलॉग्स दिए गए थे, लेकिन मुझे जेसी आइजनबर्ग की एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। मैं उनका बहुत बड़ा कोई फैन नहीं था इस मूवी में, और मैं जॉन क्रायर को देखना चाहता हूँ किसी फ्यूचर डीसी फिल्म में लेक्स लूथर का रोल प्ले करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि जॉन क्रायर कौन है, तो ये वो बंदा जो डीसी टीवी के शो सुपर गर्ल में लेक्स लूथर प्ले करता है। इस मूवी के फर्स्ट आवर में ही हमें गैल गैडोट एज वंडर वुमन देखने को मिलती है। पर्सनली मैं वंडर वुमन का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन गैल गैडोट ने जिस तरह की एक्टिंग की ना, मैं उनका फैन हो गया। मतलब मुझे वंडर वुमन का कैरेक्टर पसंद आया गैल गैडोट की एक्टिंग देखने के बाद। गैल गैडोट यही नाम है मेरा ख्याल है, अगर सही नहीं भी बोल रहा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब जब बैटमैन है इस मूवी में और एक नया बैटमैन है, तो ऑफकोर्स हमें एल्फ्रेड भी देखने को मिलेगा। तो इस मूवी में एल्फ्रेड का रोल प्ले किया है जर्मी आयरन्स ने, और टू बी ऑनेस्ट मुझे वो एवरेज लगे, क्योंकि जिस टाइप का स्टैंडर्ड माइकल केन ने इस कैरेक्टर का सेट किया है, मुझे लगता है कि उसको कोई नहीं हरा पाएगा। और मैं देखना चाहूंगा माइकल केन को ही दोबारा एल्फ्रेड प्ले करते हुए डीसीईयू में। बाय द वे, डीसीईयू असल नाम नहीं, असल नाम वर्ल्ड ऑफ डीसी है, तो ये मिस्टेक है एक, लेकिन अब कॉमन डीसीईयू ही है तो हम डीसीईयू ही कहते हैं। अब जब हम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का रिव्यू कर रहे हैं, तो मूवी का वो नाइटमेयर सीन कौन भूल सकता है, मतलब बहुत कमाल था वो। और वो सीन आपको हिंट देता है कि डीसी का फ्यूचर क्या होने वाला है। वो आपको बताता है कि जैक स्नाइडर जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उनका क्या विजन था इन सब कैरेक्टर्स को लेके, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। उस सीन के एंड पे हमें फ्लैश का कैमियो भी दिखता है, जो कि एज्रा मिलर ने ही किया था, और वो ब्रूस वेन को एक वार्निंग देता है। लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन है ना, मुझे नहीं लगता कि वो सीन का असल मतलब क्या था वो मैं कभी देखने को मिलेगा फ्यूचर में। अब फर्स्ट आवर में इतनी सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी मुझे फर्स्ट आवर थोड़ा स्लो लगा, और थोड़ा नहीं मैं थोड़ा तो मैं फिर भी ध्यान से कह रहा हूँ, अच्छा खासा स्लो लगा मुझे यार। उन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की फाइट सेटअप करने में इतना ज्यादा टाइम ले लिया ना, जितना मैं समझता हूँ जरूरत नहीं थी। ब्रूस वेन का वो जो ट्रेनिंग सीक्वेंस है, जिसमें वो अपने आप को तैयार करता है बैटमैन से फाइट के लिए, ब्रूस वेन का वो जो ट्रेनिंग सीक्वेंस है जिसमें वो अपने आप को तैयार करता है सुपरमैन से फाइट के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा था। अब मैं पर्सनली ऐसे सीन्स का बहुत बड़ा फैन हूँ जिसमें डायलॉग नहीं होता, लेकिन उसका बैकग्राउंड स्कोर इतना पावरफुल होता है ना कि आपको मजा आता है वो सीन देखने में। अब इस मूवी का सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम लग रहा, वो इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट थी। मतलब आप खुद ही देखो यार, गैल गैडोट की वंडर वुमन को इंट्रोड्यूस करना है, फिर बेन एफ्लेक के बैटमैन को इंट्रोड्यूस करना है, फिर बैटमैन और सुपरमैन को लड़वाना है, और इसके साथ साथ जस्टिस लीग के बाकी कैरेक्टर्स को सेटअप भी करना है, ये मुझे बहुत बड़ी नॉनसेंस चीज लगी। डीसी के पास एक जिंदा मिसाल थी मार्वल की, जिस तरह मार्वल ने किया था दी एवेंजर्स बनाने से पहले 4 सोलो मूवीज बनाई थी, ताकि हमें कैरेक्टर्स के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये कैरेक्टर्स कौन है। इसी तरह करना चाहिए था डीसी को, उनको फ्लैश, साइबॉर्ग और एक्वामैन को पहले एक सोलो मूवी देना चाहिए थी जस्टिस लीग से पहले, लेकिन डीसी ने ऐसा नहीं किया, जो कि डीसी की बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरे ख्याल में। अब मूवी का जो लेक्स मोटिवेशन सीन है ना, वो मेरा मूवी का सेकंड फेवरेट सीन है। मतलब उसमें लेक्स लूथर को बहुत पावरफुल डायलॉग्स दिए गए, जो उसकी और सुपरमैन की कॉन्फ्रंटेशन है ना, वो बहुत जबरदस्त है। बैटमैन का क्लाइमेक्स वाला सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें बैटमैन पूरा मॉन्स्टर लग रहा था। और इसके बाद हमें वो फाइट देखने को मिलती है जिसका हम फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे, बैटमैन और सुपरमैन की फाइट। कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि वो फाइट सीक्वेंस बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि यार होना चाहिए था, इतने साल वेट किया हमने एक चीज के लिए
कि एक लाइव एक्शन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी हो, तो फिर ऐसा तो होना चाहिए था ना। मुझे वो पूरा फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा था, और जो उसमें बैटमैन के डायलॉग्स थे वो भी अच्छे थे। कुछ लोग इस बारे में कंप्लेन करते हैं कि जिस तरह से वो सीक्वेंस एंड हुआ ना, जिस तरह वो फाइट सीन एंड हुआ बैटमैन और सुपरमैन का, वो बहुत स्टूपिड था। इवन के कुछ लोग तो इस बात का मजाक भी उड़ाते हैं कि जब दोनों की माँ का नाम सेम निकला तब सारी लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि यार इसके पीछे एक बहुत डीप मीनिंग था, जो कि एक इमोशनल मोमेंट था जिसका हमने मजाक उड़ाया। अब जो एक और मसला था जो मुझे इस मूवी से बहुत बड़ी शिकायत थी, वो ये थी कि उन्होंने डूम्सडे को ट्रेलर में रिवील कर दिया, जबकि नहीं करना चाहिए था यार। जो फैंस थिएटर में आ रहे थे उनको एक सरप्राइज पैकेज मिलता कि अच्छा इस मूवी में डूम्सडे भी है। अब मुझे नहीं लगता कि इस मूवी का एंड किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि एंड पे सुपरमैन मर गया। इंतकाल, मुझे लगा इसका कोई सेंस नहीं बनता। मतलब आप सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हो और अपने मेन कैरेक्टर को दूसरी फिल्म में मार रहे हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। लेकिन जिस तरह मूवी एंड हो रही थी तो हमें सुपरमैन को कॉफिन दिखाया गया, तो अगर आप कॉमिक्स फॉलो करते तो आपको पता लग गया होगा कि उसका क्या मतलब था। सुपरमैन के कॉफिन में ब्लैक एंड व्हाइट सुपरमैन लोगो था। अब इस सीन से भी आपको पता लगता है कि जैक स्नाइडर क्या चाहते थे फ्यूचर से रिलेटेड। वो हमें ये टीज कर रहे थे कि सुपरमैन वापस आएगा और उसके पास अपना ब्लैक सूट हो। अब सुपरमैन के वापस आने का एंड तो हमें मूवी के एंडिंग सीन में मिल जाता है, लेकिन अब मूवी को रिलीज हुए 4 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमें कभी हेनरी कैविल का सुपरमैन ब्लैक सूट में मिलेगा देखने को या नहीं। मूवी में स्टीफनवुल्फ का कैमियो भी था, जो कि हमें टीज करता कि अगली जस्टिस लीग, मतलब पहली जस्टिस लीग का विलेन स्टीफनवुल्फ है। मैंने इस मूवी को लास्ट ईयर देखा था, और जब मैंने इस मूवी को खत्म कर लिया तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आ रही थी कि यार बैकग्राउंड स्कोर कितना अच्छा था इस मूवी का। तो मैं फिर गूगल गया और मैंने चेक किया कि यार इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर किसने दिया, तो मुझे पता लगा कि बैकग्राउंड स्कोर दिया था हांस ज़िमर ने। तो मैंने कहा उनसे तो फिर यही एक्सपेक्टेड था ना, मतलब हमेशा वो एक मास्टरपीस देते हैं। मूवी से ज्यादा मुझे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा लगा। इस मूवी का बजट था 250 से 300 मिलियन डॉलर्स के दरमियान में, और इस मूवी ने जो कमाया ना वो ऑलमोस्ट 900 मिलियन डॉलर्स था, जो कि एक एवरेज सा फिगर है इस टाइप की मूवी का। अभी कुछ चीजें हैं जिनको मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है कि उनको मैं जस्टिस लीग वाली वीडियो के लिए बचा के रख रहा हूँ। जस्टिस लीग वाली वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि इस मूवी के बाद हमें क्या दिखाया जाना था और हमें क्या देखने को मिला, तो टेंशन नहीं लेनी, उस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो भाई ये वीडियो तो इतना ही था, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।